सो ही व्हाट्सअप गाइज, वेरी वेरी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त टी के कैश थोड़ा कैश साथ आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो पाई ब्लॉक चैनल के ऊपर नई अपडेट निकल के आ रही है कि डॉक्टर निकोलस ने क्या चीज़ कही हुई है। ठीक है कि निकोलस जस्ट सेड डैट पाई कैनॉट बी सेंड टू नॉन केवाईसी मेंबर। ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी केवाईसी हो रखी है और अगले पर्सन की केवाईसी नहीं हो रखी है और आप पाई को कॉइन को सेंड करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे जब तक उनका अकाउंट मेननेट ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं बना होगा। ठीक है, देयर इज़ अ फेवर ड्यूरिंग द एनक्लोज टू द मेननेट एंड द फेवर ओनली अलाउज माइग्रेटरी वॉलेट टू क्रिएट न्यू वॉलेट्स। ठीक है, ये अलाउ जब भी होगी जब आपका वॉलेट क्रिएट हुआ होगा अपने मेननेट के ब्लॉकचेन अकाउंट पे, या वो अलाउ करेगा मेननेट टू माइग्रेशन में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही अपना आप पाई कॉइंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन के लिए अगर उसकी केवाईसी कंप्लीट हो रखी है। अगर नहीं हो रखी उसकी दूसरे पर्सन की रिसीवर की केवाईसी तो आप अपने पाई को सेंड नहीं कर पाएंगे और ना वो रिसीव कर पाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि वो अपना वॉलेट क्रिएट कर ले। ठीक है, क्रिएट न्यू वॉलेट पर जाके सारा कुछ प्रोसेस अपना स्टेप बाई स्टेप करता रहे। ठीक है जी, सो वीडियो में भाई इतना ही था। डॉक्टर निकोलस ने ये बात कही थी कि सेरास यू कैन नॉट सेंड पाई कॉइन टू दी नॉन KYC मेंबर। तो इन्होंने कहा था कि अगर आप अपने पाई कॉइंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो किसी और की अगर KYC नहीं हो रही तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यही अपडेट उन्होंने दी थी डॉक्टर निकोलस ने चैट रूम के ऊपर। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, सबको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, टाटा बाय बाय।